हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल द लर्नर सब में। आज फिर लगातार तीसरा दिन है और हम क्या कर रहे हैं, एमपी पुलिस कांस्टेबल 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक, किसके कर रहे हैं, गणित के कर रहे हैं। पहले दो वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जरूर जाके देखें, और आपने जो प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, तो लगातार ये तीसरा दिन है, तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो की भी शुरुआत करते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या देखते हैं, सरलीकरण का सिंप्लीफिकेशन। ठीक, क्या है 928 70, ये भैया ये हमको दिख रहा है, ये गया किससे, 9 से, 9 5 45 प्लस 20 65, 70 में से 65 घटाओ क्या आया प्लस 5, तो 928 में प्लस 5 कर दोगे क्या आंसर आएगा, 933, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बिल्कुल बुलेट ट्रेन की स्पीड से, वंदे भारत की स्पीड से। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हुए दूसरा सवाल देखते हैं, ये भी सिंप्लीफिकेशन का है, तो चलिए इसको करते हैं। ये गया कितना, 8 8 दूनी 16, 16 में 92 जोड़ो कितना हुआ 108, और 108 में 86 जोड़ो, 108 में 86 जोड़ोगे तो 194 पहुंचोगे, 194 में फिर 102, मतलब पहले 100 जोड़ो कितना हुआ 294, और 2 जोड़ दो 296। भैया यहाँ तक आ गए 296, अब इसको ऐड करना है, तो इसमें पहले 290 और 96 कितना हुआ, 90 और 96 186, और ये हुआ 1000, 800 और 200, तो भैया 1186, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर आ गया। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते थे ऑप्शन, अगर मैं देखूं तो सबके यूनिट डिजिट अलग है। ठीक, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आएगा, 8 × 2 6 आएगा, 6 में 2 जोड़ो 8, और 8 में 6 जोड़ो 14, 14 में 2 जोड़ो 6, मतलब इस पूरे उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 6, और एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में, पूरा हल करने की जरूरत थी भी नहीं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, टू नंबर्स भैया N1 to N2 क्या है 27:17 में, और उनका एलसीएम कितना है 918, तो हमको नंबर्स देखने, भैया देखते ही से मैं आंसर बता दूंगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों, क्योंकि भैया जो भी एलसीएम होता है, ठीक है, वो पहली बात तो इस नंबर को कम्प्लीटली डिविजिबल करेगा, ए भी छोड़ो जो रेशियो ऑफ नंबर्स है, तो जो भी नंबर आएंगे वो इसी के मल्टीपल आएंगे, और कोई ऑप्शन इसके मल्टीपल है ही नहीं, तो सीधा आंसर ए लगाओ। ठीक है भैया, 27 का 2 गुना होता है 54, और 17 का 2 गुना होता है 34, 34 सिर्फ इसमें है, लेकिन यहाँ 29 एक प्राइम नंबर है, 27 का मल्टीपल है ही नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, 5 kg ऑफ मेटल कंटेन्स 1/6 जिंक, भैया 5 किलो धातु क्या है 1/6 जिंक है, और बाकी बचा क्या है मैग्नीशियम, अन्य 6 किलो धातु में 1/7, ठीक है चलो देखो, अगर हम इन दोनों को मिला देंगे तो हमें फाइनल उसमें जिंक और मैग्नीशियम का क्या अनुपात मिलेगा। देखो यहाँ पे क्या है, जिंक की अगर मैं सिर्फ जिंक जिंक की बात करूँ तो इस वाले उसमें क्या है 1/6, इसमें क्या है 1/7, और इसका हमने 5 किलो लिया है और इसका 6 किलो लिया है, ये बीच से वो कर दो भैया, x-1/7 / क्या होगा 1/6 - x = 5/6, अब इसको करो तो ये क्या आएगा 6x-6/7 = 5/6 - 5x, एक्स एक्स को एक जगह ले जाओ तो क्या होगा भैया 11x, और यहाँ हो जाएगा 6/7 + 5/6, एलसीएम लो क्या आएगा 42, तो यहाँ आएगा 36 और 35, मतलब कितना 71 है ना, ये आएगा कितना 11x, तो x बराबर भैया हमारा कितना आ गया 71/11 × 42 क्या होगा 462। देखो किसी भी नंबर को अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है, जैसे मेरे को 16 को करना है, 1 और 6 इधर लिखो, बीच में इसका जोड़ लिख दो, जैसे मैंने 42 × 11 करना है, क्या करूंगा 4 और 2 लिखो, बीच में इसका जोड़ लिख दो। ठीक भैया हमारा x कितना आ गया, मतलब जिंक का कितना पोर्शन है 71 पोर्शन है, कितने में से 462 में से, अगर मैं 462 में से 71 घटा दूंगा कितना आएगा 462 में से 71 माइनस करो तो 1, यहाँ 9 391, ये क्या बचेगा भैया, ये मैग्नीशियम बचेगा ना, ये तो टोटल आया, तो भैया जिंक और इसका अनुपात क्या हुआ 71/391, ऑप्शन नंबर डी। व्यापम की साइट में इस सवाल का आंसर गलत दिया है, ये मैंने आपको बताया कि ये आंसर होगा इसका। ठीक है चलिए, बिल्कुल देरी न करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, एक 55 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है जिसमें दूध पानी से 5 लीटर अधिक है, भैया अगर तुम्हें 55 लीटर चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है ये कितना होगा 30 और 25 होगा, और कोई कॉम्बिनेशन काम करेगा नहीं। अगर जैसे ये समझ में नहीं आ रहा है तो मान लो कि दूध कितना है, पानी कितना है एक्स, ठीक है, अगर ये पानी है दूध कितना होगा x+5 है ना, दूध कितना हुआ x+5, तो मतलब ये 2x+5 बराबर क्या होगा 55,
2x बराबर क्या होगा 50, तो x बराबर कितना होगा 25, मतलब पानी हमारा कितना है 25 और ये कितना है 30। लेकिन ये कॉमन सेंस है, आप ऐसे भी डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब क्या बोला है, दूध में अगर 5 लीटर पानी मिला दूं, इसमें सिर्फ मैं 5 लीटर पानी मिला दूं तो ये कितना हो गया 30, और दूध तो उतने ही का उतना रहेगा, तो अनुपात क्या हो गया 1:1, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये भी फिर से सिंप्लीफिकेशन, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। देखो 3 और 14 कितना हो गया 17, 17 और 5 कितना हो गया 22। अब अंदर क्या क्या बचा, 2/7, 4/9 और 3/9। देखो इन दोनों को ऐड करो तो ये कितना हो गया 2/7 + 7/9, और ये हो गया 22। अब भैया एलसीएम ले लो, 7 और 9 का क्या आएगा 63, तो यहाँ 9 से करोगे तो यहाँ 18 और ये 49, तो ये कितना हो जाएगा 67, मतलब 22 67/63। अब ये कितने टाइम जाएगा 1, रिमाइंडर कितना बचेगा 4, तो मतलब 22 + 1 कितना हो गया 23, और ब्रैकेट में बचा 4/63, ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं। बुमराह क्या बोल रहा है भैया, बुमराह हर मैच में औसतन 3 विकेट लेता है, तो बुमराह ने 5 मैचों की पारी में कितने विकेट लिए। भैया ये तो बच्चा बच्चा भी बता देगा, 15 विकेट लिए, 3 × 5। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या बोल रहा है। 5 धनात्मक संख्याओं का औसत कितना है 132, यदि पहली संख्या पिछली 4 संख्याओं का के योग का 4/7 है। देखो भैया क्वेश्चन ये बोल रहा है कि तुम्हारे पास 5 संख्याएं ए बी सी डी और ई, इनका जो औसत है वो कितना है 132, मतलब ये पूरा कितना हो गया पूरा 132, a+b+c+d+e ये आ गया तुम्हारा, और जो a है वो क्या है b+c+d+e का 7/4/7 हिस्सा है। इन दोनों को सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक, हमको आखिरी में क्या निकालना है, b+c+d+e/4। लेकिन ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि भैया ये जो आ रहा है b+c+d+e ये मल्टीपल ऑफ 7 होगा। ठीक है, अगर इसको इससे काटेंगे तो ये मल्टीपल ऑफ 7 आएगा ही आएगा। अब इस ऑप्शन में अगर देखूं मैं क्योंकि यहाँ डिवाइड बाय 4 करूंगा तो ये 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, मतलब जो भी एवरेज आना चाहिए, और यहाँ पे सारे इंटीजर दिए ऑप्शन में, तो भैया ये b+c+d क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय 7 होना चाहिए। एक ही ऑप्शन है जो डिविजिबल बाय 7 है, क्या है 105, बाकी कोई भी ऑप्शन डिविजिबल बाय 7 नहीं है, तो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, द एवरेज वेट ऑफ अ फैमिली ऑफ 25% रिड्यूस बाय 1 kg एंड वेट ऑफ चाइल्ड इज एडेड टू इट, इफ द एवरेज वेट ऑफ द फैमिली इज 27 kg आफ्टर। अरे बहुत बढ़िया, देखो ये एवरेज का कंसेप्ट मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। देखो 25 का मान लो एक्स था, ठीक, तो एक चाइल्ड होने पे इनका एवरेज कितना हो गया एक्स, लेकिन ये जो 27 है ये बराबर x-1 है। ठीक, अब ये जो एक चाइल्ड है इसने क्या किया होगा, बाकी 25 में से 1-1 किलो वजन घटाया होगा, मतलब -25, प्लस जो इनका एवरेज है वो तो उसका वजन होगा ही होगा। भैया बच्चे का वजन कितना आ जाएगा 2 किलो, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं आखिरी सवाल की ओर। फिर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, ऐसे ही प्यार बरसाते रहेंगे तो मैं आपको डेली और बढ़िया रीजनिंग के भी क्विज लेकर आऊंगा। ठीक है, इन ए स्कूल विथ 550 स्टूडेंट, भैया वाले स्कूल में लड़कों का औसत आयु कितना है 11 वर्ष, और लड़कियों की औसत आयु कितनी है 12 वर्ष। यदि स्कूल की औसतन आयु 11 वर्ष 6 महीने है, अरे ये तो ये बॉय हो गए ये गर्ल हो गए, इसकी औसत वैल्यू 11 है और इसकी 12 है, और इन सबको अगर मिलाते हैं तो 11.5, ये 6 महीने मतलब 0.5 ईयर्स, इसको इससे माइनस करो 12 - 10 तो ये कितना आएगा 0.5, और ये कितना आएगा 0.5, यही तो रेशियो रहेगा बॉयज और गर्ल्स का 1:1। शानदार तरीके से इसमें मिस प्रिंटिंग हो गई है, इसमें ऑप्शन होगा, आंसर क्या होगा 1:1। ठीक, इसमें मिस प्रिंटिंग हो गई, ऑप्शन शायद पिछले वाले ही रिपीट हो गए या कोई और से रिपीट हो गए, तो आप छोड़िए इसे, इसका आंसर क्या रहेगा 1:1। ठीक है, तो यहीं से मैं आपसे विदा लेता हूँ। कैसा लगा आपको वीडियो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, जय हिंद।